फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार। आपका दिन क्या अच्छा गुजरे। और काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। स्वागत है आपका जीरो टू जेड, आपका अपना इंग्लिश चैनल जीरो टू जेड इंग्लिश। काफ़ी ग्रोथ हो रही है और फैमिली में काफ़ी नए स्टूडेंट्स भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए। कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है हमें कि स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं हमारा वे ऑफ टीचिंग। अब लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म भी होने वाला है, फिर भी ऑनलाइन स्टडी का एक अपना ही महत्व होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर करें ताकि सभी लोग ये चीज़ें सीखें। बात हम आगे करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज। डेली यूज के सेंटेंस हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड है। तो ये 10 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं जो कि मैं अक्सर इसी तरह से चीजें लाता हूं। फर्स्ट सेंटेंस है, आपका क्या हाल है? इसका बनेगा हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू क्वेश्चन मार्क, हाउ डू यू डू। नेक्स्ट है, आज मैं अस्वस्थ हूं, यानी कि आई एम आउट ऑफ फॉर्म टूडे, आई एम आउट ऑफ फॉर्म टूडे, आज मैं अस्वस्थ हूं, आई एम आउट ऑफ फॉर्म टूडे। नेक्स्ट है, मेरा पेट खराब है, माई स्टमक STOMACH, माई स्टमक इज अपसेट, माई स्टमक इज अपसेट। अक्सर हम बोलते हैं मेरा पेट खराब है, माई स्टमक इज अपसेट। मेरा जी मचला रहा है, यानी उल्टी जैसा आभास हो रहा है कि उल्टी आएगी, तो हम बोलते हैं आई फील नॉसी, NAUSEA, आई फील नॉसी, दैट मीन्स जी मचलाना, नॉसी मीन्स मेरी टांग टूट गई है। तो आई हैव ब्रोकन BROKEN माई लेग। अब अगर यहां हो जाए तुम्हारी टंग टूट जाएगी, फ्यूचर टेंस, तो यू विल ब्रेक योर लेग। ओके, नेक्स्ट, रजनी के सिर में बहुत दर्द है, तो ACHE, एक मीन्स होता है दर्द होना, तो हेड में है तो हेडेक, हेड और CHE को जोड़ दो, ACHE को जोड़ दो, तो रजनी हैज अ बैड, BAD बैड, हेडेक, HEADACHE, हेडेक, रजनी हैज अ बैड हेडेक, राइट। रोहन को ठंड लग गई है, रोहन हैज कॉट, CAUGHT, कॉट कोल्ड, तुम्हें ठंड लग जाएगी, यू विल कैच द कोल्ड, यू विल कैच कोल्ड, तुम्हें ठंड लग जाएगी। नेक्स्ट, रोहन हैज कॉट कोल्ड, ठंड लग चुकी है, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैच का कॉट, ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, डॉक्टर रोगी की नब्ज जांच रहे हैं। अब डॉक्टर नब्ज देख रहा है, यानी वो यहाँ पल्स को फील कर रहा है, नब्ज देख रहे हैं या जांच रहे हैं, एक ही बात है, तो वो फील करते हैं, नब्ज दिखती नहीं है कभी, तो द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स, फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, PATIENT, फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, राइट, यहां इस तरह से आएगा फीलिंग। मेरी दादी को ऊंचा सुनाई देता है, हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में कठिनाई होती है, तो माय ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग,
माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग. लास्ट सेंटेंस है, मुझे बेचैनी हो रही है. आई एम फीलिंग नर्वस. एन ई आर वी ओ यू एस नर्वस. आई एम फीलिंग नर्वस. अब कोई भी स्पीच देने से पहले नर्वस होते हैं, तो बेचैनी होना, बीमारी में बेचैनी होना, आई एम फीलिंग नर्वस, राइट. तो इस तरह से ये 10 सेंटेंसेस हैं जो डेली यूज में आते हैं. आप इन्हें नोट कर लें. और मेरा वीडियो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमेशा हेडफोन लगाकर सुने, तो क्लैरिटी आएगी आवाज की और क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको. बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं अपने सब्सक्राइबर्स या नॉन सब्सक्राइबर्स भी जो वीडियो वॉच करते हैं. रिक्वेस्ट है आप प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा डेली का वीडियो बेल नोटिफिकेशन पे जाकर ऑल क्लिक करें, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहें. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे. जय माँ सरस्वती.